अब गुरुद्वारा सेवकों ने भी रचा इतिहास, एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर से चलाई 16 मरीजों की सांस। आप भी देख कर रह जाएंगे दंग। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज गुजरात। इस महामारी में ऑक्सीजन की है लाइन, एक एक बोतल को तरस रहे हैं लोग। अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों की है कतार, दाखिले के लिए घंटों करना पड़ता है इंतजार। ना बेड मिलता है, ना एम्बुलेंस मिलती है। रिश्तेदार के परिजन भी हैं परेशान। मुर्दे को मोक्ष के लिए मुक्ति धाम में भी है लंबी कतारें। जलती चिताएं चित्कार करती आत्माएं, और ऐसे में मिल रही है मदद सामाजिक संस्थाओं से और पवित्र दिल वाले व्यक्तियों से जो निस्वार्थ कर रहे हैं लोगों की सेवा। दोस्तों नमस्कार, मैं दिखाता हूं कि अगर जान बचाने की अगर मंशा हो और कोई कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये देखिए, जो मैंने आपको कल दिखाया था, यहाँ पे पाइपलाइन लगा दिया है रेलिंग के सहारे। और ये देखिए, एक 16 के 16 रेलिंग के कनेक्ट किया गया है पाइप में, और देखिए किस तरह से लोगों की जान बचाई जा रही है। ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है, और मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, अगर कुछ करने की आप ठान लेते हैं और कोई करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जहाँ पे सरकारी तंत्र स्वास्थ्य व्यवस्था सारा फेल है, वहाँ आम जनता किस तरह से मदद पहुँचा रही है, खासकर सिख भाइयों के द्वारा, गुरुद्वारा के द्वारा, खालसा हेल्प इंटरनेशनल के द्वारा। ये देखिए किस तरह से लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है, देख रहे हैं। ये शाम का वक्त है और सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई सोच ले कि सेवा करनी है समाज की, तो आप किसी भी तरह से उसको कर सकते हैं। और इस तरह से अगर कोई भी कम्युनिटी हो, अगर चाहे तो लोगों की जान बचा सकती है। जैसे मैंने कल दिखाया था कि 16 पॉइंट यहाँ पे लगाए गए हैं रेलिंग के थ्रू, और यहाँ देखेंगे आप हर पॉइंट पे ऑक्सीजन कलेक्ट किया गया है, और एक ही सिलेंडर पाइप से रन करा के और 16 पॉइंट उसमें बनाए गए हैं। ये देखिए इस तरीके से लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, देख रहे हैं, देखिए ये देखिए। हाँ, ये बताना जरूरी है कि जिस तरह से सरकार का दावा और अपने नाकामियों को छुपाने के लिए बयान देके कि सारा इंतजाम है, कहीं कोई कमी नहीं है, तो लोग रोड पे लोग बैठ के ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, अपने अपने घरों में होते ऑक्सीजन के साथ में या किसी हॉस्पिटल में होते। और बहुत सारे परिजनों से हमने बात करी, जिनका कहना है कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं ले रहा है, कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास। ऐसे भी लोग मिले जिनको कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर अपना बाहर से लेके आओ। कहाँ से लोग लाएंगे और क्या करेंगे, और ये सिचुएशन है यहाँ का। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग अपनी किसी तरह से, परिजन भी बहुत परेशान है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको ऑक्सीजन मिल जाए। यहाँ पे जो ला पा रहे हैं उनको बचाने की कोशिश पूरी चल रही है। करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी इधर से, अगर देखिए 16 पॉइंट इस रेलिंग पे लगा दिए, रातों के रात वेल्डिंग करा के पॉइंट लगा दिए गए। तो रमी जी इनसे बात करते हैं, और क्या सोच आपने लगाई है रमी जी, जो आपने ये काम किया ना, अद्भुत काम है ये काम। अगर आपने दिखा दिया कि एक आम जनता अगर ठान ले तो वो क्या मदद कर सकती है, जहाँ पे सारा तंत्र फेल हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो गई, जो बड़े बड़े पावर लोगों ने दिए जिनको चुन के वो फेल हो गए। तो आपने वो कर दिखाया जिसका मिसाल आने वाले वक्त में शायद बहुत सारे लोग देखेंगे। और आपका नाम क्या कहना चाहिए, हर के जुबान पे होगी, जिस तरह से आपने सेवा करी है। सर, ये जो काम हो रहा है वाहेगुरु की शरण में हो रहा है, वो निशान साहब की शरण में हो रहा है,